पति पत्नी का प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कोई बेटा अपने पिता के नामांकन में प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? प्रस्तावक बनने की क्या अर्हता है, क्या शर्तें हैं प्रस्तावक बनने की? इन तमाम तरह के सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब, के सवाल का जवाब देने में बहुत मुझे मजा आता है, एक संतुष्टि मिलती है। कहा जाता है नॉलेज इज पावर, और जानकारी सबको रखनी चाहिए। और कोई भी लोकतंत्र जब ही सफल होता है जब उसमें आम लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो। और जब आप मेरे चैनल पर आके सवाल करते हैं, उस जानकारी लेना चाहते हैं पंचायत चुनाव से संबंधित, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए हमारे देश के नागरिक अब पॉलिटिक्स में, राजनीति में उस पर हावी हो रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। नहीं तो पहले राजनीति को बड़े लोगों का चीज़ समझा जाता था, बड़े लोगों का रोग समझा जाता था और अच्छा नहीं माना जाता था। और लोग कहते थे कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है। राजनीति खराब तभी तक है जब तक उसमें अच्छे लोग भाग नहीं लेते हैं, अच्छे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो राजनीति खराब होती है। बहुत बढ़िया शुभ संकेत है कि आप लोग जैसे सभ्य लोग और हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप चुनाव में इंटरेस्ट जता रहे हैं, चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप भाग लेना चाहते हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। तो दोस्तों, अभिवादन पहले कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में हम लेके हाजिर हैं प्रस्तावक से संबंधित आपके सवालों को। मैं आपके हर प्रश्नों का को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, आपको संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते ही आप मेरे परिवार, ठोक तंत्र पर के परिवार के एक सदस्य हो जाते हैं, और आपके हर सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य हो जाता है, और हर तरह से मदद हम करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, उम्मीदवार और प्रस्तावक दो बहुत ही अहम है चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा है। जिस तरह के ताना बाना ढांचा है चुनावों का, उसमें प्रस्तावक एक अहम अंग है। सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि हम अपने पत्नी का प्रस्तावक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, चाहे अपने पिताजी का प्रस्तावक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, अपने भाई का प्रस्तावक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि प्रस्तावक बनने के लिए आवश्यक क्या है, प्रस्तावक कौन बन सकता है। प्रस्तावक बनने के लिए आपकी उम्र मतदाता सूची में हो, आप प्रस्तावक बनने के लिए एक चीज हो रही, 21 साल की बाध्यता नहीं है। आपकी उम्र मतदाता सूची में है तो आप प्रस्तावक बन सकते हैं, लेकिन किसका प्रस्तावक बन सकते हैं? आप यह ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावक उसी उम्मीदवार का आप बन सकते हैं जिसका आप वोटर हैं, जिसका आप वोटर हैं, जिसको आप वोट दे सकते हैं, उसी उम्मीदवार का बन सकते हैं प्रस्तावक। जैसे अब वार्ड संख्या 4 में है और वार्ड संख्या 5 के कोई उम्मीदवार हैं, तो उनको प्रस्तावक वार्ड संख्या 4 से नहीं लेना, उनका प्रस्तावक आप नहीं बन पाई है, क्योंकि वार्ड में आप उनका वोटर नहीं है, उनको वार्ड संख्या 5 से ही प्रस्तावक चाहिए। दूसरा चीज़ यह है कि नियम वही है कि उन पे 6 महीना का उनको सजा नहीं मिला हो, किसी तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि में अगर सजा मिली है तो उनको नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पे नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, गबन का वो सजा नहीं मिल गया हो, आरोप सिद्ध नहीं हो गया होगा, पागल या दिवालिया तो है ही सब में, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपका प्रस्तावक बन सकता है। तो जुड़ा लीजिए कि पत्नी का पति का बात है, तो हाँ, प्रस्तावक में एक चीज और, सरकारी सेवा में आपको नहीं होना चाहिए, या केंद्र या राज्य से वित्त पोषित संस्थाओं से आप वेतनमान नहीं लेते हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं लेते हो, तो आप प्रस्तावक बन सकते हैं। बहुत सारे सवाल एक और आ रहे थे, कोई एनजीओ में हम काम करते हैं तो प्रस्तावक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, दोनों तरह के सवाल थे।
आप एनजीओ में काम करते हैं तो आप प्रस्तावक भी बन सकते हैं, उम्मीदवार भी बन सकते हैं, क्योंकि एनजीओ जो होता है वो गैर सरकारी होता है, गैर सरकारी होता है। एनजीओ में काम करने वाले प्रस्तावक आप बन सकते हैं, उम्मीदवार भी बन सकते हैं। तो सवाल करते हैं ब्लड रिलेशन में आप प्रस्तावक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि कोई पति है तो पत्नी का प्रस्तावक नहीं बन सकता है, या पत्नी पति का प्रस्तावक नहीं बन सकता है। पत्नी का प्रस्तावक पति बन सकता है, अपने भाई का ही प्रस्तावक, एक भाई चुनाव में खड़ा है तो दूसरा भाई बन सकता है, और बेटा जो है से अपने पिता का प्रस्तावक बन सकता है। तो आप इस पर किसी तरह का किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। हम आपके कुछ कन्फ्यूजन, इतने सारे सवाल आ रहे थे तो कुछ कन्फ्यूजन मेरे मन में भी हो रहा था, तो हम आज ही खुद ही जाके अधिकारियों से मिला और आपके सवालों को उनके पास रखा है, और आप तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्लड रिलेशन में प्रस्तावक नहीं बन सकता है, प्रस्तावक बन सकता है। प्रस्तावक बनने के लिए जो अहर्ता है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। वैसे जितना मैं बता दिया हूँ उतना तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रस्तावक कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। आप देखिए, आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भाई कमेंट आप करते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, जो मैथमेटिक्स का सवाल है, गणितीय सवाल, कि अगर मान लिया जाए कि मेरी उम्र अगर है, वोटर लिस्ट में हम नाम है, और मेरी उम्र जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल होना है उसी दिन 21 साल हो रहा है, तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। आपके इस सवाल को मैंने बहुत गौर से देखा, नियमों को पढ़ा, धारा 36 को पढ़ा, तो आपको बता दे, ऐसे आपको बहुत लोगों को लगता होगा कि 1 जनवरी 2021 का मामला है, 1 जनवरी 2021 का मामला नहीं है, वो तो 18 वर्ष पूरा कर लेने के बाद मतदाता सूची में शामिल है। शामिल होने के लिए 1 जनवरी 2021 है, बाध्यता है, लेकिन अगर पहले से आपका नाम शामिल है और जिस दिन नामांकन की तिथि है, लास्ट तिथि, नामांकन की अंतिम तिथि के एक दिन बाद तक भी आप 21 वर्ष पूरा कर लेते हैं, तो आप अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, आपका नामांकन रद्द नहीं होगा, आप उम्मीदवार बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है जानकारी जरूर बताइएगा, और आपका जो प्यार मिल रहा है इसी तरह मिलता रहे, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।